अभी थोड़े से बर्तन रह गए, ये धोकर देता हूँ। क्या मतलब है, मुलाजिम हो के अब तू मुझे इंतजार कराएगा? अभी बीबी जी को बुला के ना तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगी। अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया कि बात औकात तक पहुंच गई? पता नहीं है कितनी लाडली हूँ मैं बीबी जी की, कितनी खास हूँ उनके लिए। अब तो अपने साथ वाला कमरा भी खाली करके दे दिया है, अंदाजा नहीं हुआ तुझे? रूही ये किस तरह बात करिए तू अकबर के साथ हैं? बता मुझे, अगर वो मुलाजिम है ना तो तू भी मुलाजिमा की बेटी है। और अगर बीबी जी ने तुझे बच्चे की वजह से इस घर में कोई हैसियत दे दी है तो अपनी हैसियत मत भूलो, समझी ना? अम्मा तू तो रहने ही दे, बल्कि मैं कहती हूँ आज के बाद मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। अरे ये तुम अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? क्या बीबी जी की दी हुई इज्जत तुम्हारे दिमाग पर तो नहीं चढ़ गई है? अपनी ना बकवास बंद रख। ये क्या शोर हो रहा है इस घर में बुआ? नहीं बीबी जी वो। अम्मा आप छुपा क्यों रही हो, बताओ ना बीबी जी को। बीबी जी मैंने तो सिर्फ जूस मांगा था, ये अकबर कहता है कि जब फारिग होगा ना तब बना दूंगा। अकबर ये क्या तरीका है? एक बात समझ लो अकबर, बुआ मेरे लिए बहुत मोहतरम है और रूही इस घर में बुआ की बेटी की हैसियत से नहीं, मेरे बेटे की माँ की हैसियत से आई है। आइंदा ख्याल रखना। ठीक है बीबी जी। रूही अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी हो तो तुम्हें किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगी प्रॉब्लम, ओके? ठीक है निशा बीबी। प्लीज बुआ। ठीक है, आइंदा मैं अनिशा बीबी की ये बात भी मानूंगा क्योंकि मैं तो गरीब आदमी हूं ना। लेकिन बुआ मुझे आपके साथ ये सलूक अच्छा नहीं लगा, मैंने तो जिंदगी में पहली मरतबा किसी औलाद को अपनी माँ से इतनी बदतमीजी करते हुए देखा है। ओ मेरी माँ है जैसे मर्जी बात करूं, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है। और अम्मा तुम तो ना बेटी से जलती ही रहना, अब तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत ना तुम्हारे से ज्यादा ही अच्छी है। मैं बता दूंगी ऐसे ही नहीं मिलगी, रूही ने बड़ी मेहनत की है, जलती ही रहना अपनी औलाद से। और तू जूस बना के ले आना,